हरा भरा कबाब, जब भी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, कभी भी, मतलब दिस इज सच अ क्लासिक डिश ऑफ रेस्टोरेंट। अगर आप सालों पहले भी याद करेंगे ना कि कौन सा स्टार्टर सबसे पहले रेस्टोरेंट में ट्राई किया होगा, तो वो होगा हरा भरा कबाब। और हरा भरा कबाब जब भी घर पे बनाने का आता है, तो यार वो रेस्टोरेंट वाली फील हमेशा मिस कर जाते हैं। इसीलिए आज मैं रेस्टोरेंट स्टाइल हरा भरा कबाब आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। शुरू करें। यूजुअली हरा भरा कबाब जब भी हम घर पे बनाते हैं, तो उसमें वो कलर जो होता है वो मिसिंग होता है। और कभी कभार बहुत लोग हरा भरा कबाब में चने की दाल भी डालते हैं, बट रेस्टोरेंट में चने की दाल नहीं होती है। फर्स्ट थिंग, जब भी आप ग्रीन पेस्ट बना रहे हैं, तब ध्यान रखना है कि उसके अंदर पानी का कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो आप ब्लांच्ड स्पिनच जब ले रहे हैं, या धनिया ले रहे हैं, फुदीना ले रहे हैं, तो ये सब में पानी जो है वो प्रॉपरली निकाल के फिर लेना है। जब बॉईल करते हैं, तब हमेशा 80% आलू ही बॉईल होना चाहिए। हम घर पे जब भी आलू को बॉईल करते हैं, तो हमेशा 100% बॉईल कर डालते हैं, जिसकी वजह से आपका कबाब का जो मिक्सचर होता है वो बहुत ही सॉगी हो जाता है। तो हमेशा 80% आलू को बॉईल करना है, चाहे आप कोई भी कबाब बना रहे हो, तभी तो आप कबाब को प्रॉपरली हैंडल कर पाएंगे और उसको कोट नहीं करना पड़ेगा। जब भी फ्राई करते हैं, तो उसको ब्रेड क्रम से कोट करते हैं, फिर हम ऊपर से कॉर्नफ्लावर ऐड करते जाते हैं, तो उसका टेस्ट एंड में मर जाता है। फिर जब भी हम कबाब फ्राई करते हैं, तो वो डर होता है कि कबाब ऑयल बहुत ज़्यादा सोक कर लेगा। तो इसकी वजह से आलू को 80% अगर आप बॉइल करके यूज़ करेंगे, तो आपके कबाब का जो बाइंडिंग है वो परफेक्ट आएगा। Thank you.